आज 31 मई को पूरे दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। नो टोबैको डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे दुनिया में टोबैको का इस्तेमाल अनेक फॉर्म में बढ़ता जा रहा है, और ये केवल वयस्कों में ही नहीं, बच्चों में भी ये देखा जा रहा है। यहाँ तक कि स्कूली छात्र और छात्राओं में इसका इस्तेमाल बढ़ता हुआ देखा जा रहा है अनेक फॉर्म में। उनको ये पता नहीं है, इन मासूम बच्चों को, कि इसका दुष्प्रभाव शरीर पे क्या पड़ने वाला है लंबे समय के लिए। वो क्षणिक मजा लेने के लिए टोबैको का इस्तेमाल प्रारंभ करते हैं और इस टोबैको के इस्तेमाल में वो ट्रैप हो जाते हैं, और एक बार ट्रैप हो जाने के बाद इससे निकलना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। किशोरावस्था में इसका इस्तेमाल शुरू करने से जो शरीर पे प्रभाव पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव शरीर के फेफड़े पे पड़ता है, जहाँ से आपका ऑक्सीजन आकर के और पूरे शरीर में सप्लाई होता है। जब आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बाधित होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके शरीर का क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, दिमाग पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और ये बच्चे दिमागी हालत से ही अपाहिज हो जाते हैं अगर लंबे समय तक इसका सेवन करते रहते हैं। तो इसलिए मेरा यह सलाह है कि आज से यह दृढ़ निश्चय करें कि टोबैको का, तंबाकू का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देव कुमार झा, शिशु एवं शिशु छाती रोग विशेषज्ञ, दिल्ली NCR। प्रणाम।